हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है असाइनमेंट सॉल्यूशन में। और आज हम देखने वाले हैं BHIC 131 के सॉल्व असाइनमेंट, और इसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ द इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू सी पॉइंट 300 सी डॉट ई डॉट। ओके, सो हम तो ये जो असाइनमेंट है गाइस, ये 2021 से 2022 का है। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हम हर यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। और हम PDF, और अगर आपको PDF चाहिए तो हम PDF प्रोवाइड करेंगे, हैंड रिटन चाहिए तो हम हैंड रिटन प्रोवाइड करेंगे। और हम हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ये सारी सुविधाएँ देते हैं, चाहे वो इग्नू से हो, चाहे वो ड्यूस सॉल से हो, चाहे वो जामिया से हो, चाहे वो बाबा साहेब ओपन यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो उड़ीसा से हो, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से हो। हम हर स्टूडेंट को इक्वल सुविधा प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमें इस पे कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके मैसेज का भी रिप्लाई करेंगे और आपकी कॉल को भी रिसीव करेंगे। या फिर अगर आपके पास व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है सो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप कमेंट में लिखिए, कमेंट में हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे। और आप कमेंट करेंगे तो हम उसका रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। सो अपना असाइनमेंट हम शुरू करते हैं, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं BHIC 131 सॉल्व असाइनमेंट। गाइस, ये है BHIC 131 सॉल्व असाइनमेंट। सो ये है उसका क्वेश्चन पेपर, इसमें 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में 500 वर्ड में आंसर देना है, पार्ट 2 में 250 वर्ड में आंसर देना है, और पार्ट 3 में 100 वर्ड में आंसर देना है। और इसमें टोटल क्वेश्चन है 11। तो चलिए अपना जो ये असाइनमेंट है ये शुरू करते हैं। BHIC 131 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू सी डॉट 300 सी डॉट ई डॉट। ओके, सो पार्ट 1, इसमें हमें सिर्फ दो क्वेश्चन करने हैं, इसमें हमें 500 वर्ड में सिर्फ दो क्वेश्चन करने हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हम तीन क्वेश्चन ही करें। सो गाइस, इसमें 500 वर्ड बोला गया है तो आप 500 वर्ड में ही करें। और आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी लाइंस ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको पसंद है वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। या फिर आपको कोई सर्टन टॉपिक याद है इससे रिलेटेड, हाँ कि मैं इससे इसको इस टॉपिक को इससे रिलेट करके कर सकता हूँ और अच्छे से अपना कंटेंट, अपना जो आंसर है वो बना सकता हूँ। सो आप कोई भी टॉपिक जो आपको दिमाग में आ रहा है कि इससे रिलेट हो सकता है वो लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो असाइनमेंट है वो यूनिक बनेगा, टीचर को लगेगा कि आपने मेहनत की है, क्योंकि वर्डिंग जो है वो टीचर पहचान जाता है कि ये बच्चे ने लिखा है और ये उसने देख कर लिखा है। सो अगर आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, अपने सेंटेंसेस को लिखेंगे, सो टीचर समझ जाएगा कि ये उसने खुद लिखा है। और अगर आप कहीं से देख कर लिखेंगे सो वो भी टीचर समझ जाएगा कि आपने कहीं से देख कर लिखा है, पर मार्क्स तो उन्हें देने ही होते हैं। और गाइस, आप जो असाइनमेंट लिखते हैं उसको बहुत ही ध्यान से लिखिए, हर चीज़ को पढ़ पढ़ के लिखिए, क्योंकि जो असाइनमेंट में काफ़ी बार जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे एग्ज़ाम्स में भी आ जाते हैं। तो आप पढ़ के लिखिए, और ये मटेरियल काफ़ी अच्छा है, कोई भी इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, आपके टीचर भी नहीं। अगर आप इस मटेरियल से अपने जो असाइनमेंट है उनको लिखते हैं तो आपको 100% मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ओके गाइस, सो हम आगे बढ़ते हैं, हम पार्ट सेकंड में पहुंच चुके हैं। पार्ट सेकंड में हमें 250 वर्ड में आंसर देना है, और ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। पहले वाले पार्ट में हमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने थे, तो हमने फर्स्ट एंड थर्ड किए थे। अब इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे मैं अपनी जो माउस है उसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए और आप पॉज करके अच्छे से उस चीज़ को लिख पाए। हम पहुंच चुके हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। सो ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आप अपने असाइनमेंट को A4 साइज शीट में लिखें और ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करें उसे यूनिक बनाने के लिए। और अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा क्लीन और साफ होनी चाहिए, जिससे आपका जो असाइनमेंट है वो अट्रैक्टिव लगेगा। ओके गाइस, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो हम हैंड रिटन असाइनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, आप हमसे हैंड रिटन असाइनमेंट भी बनवा सकते हैं। और जो चीज़ें
मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आप अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को याद कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अगर आप इन चीज़ों से पढ़ते हैं, इनके ही एक नोट्स बना लेते हैं, तब भी आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कई बार इन्हीं चीज़ों में से इन्हीं आंसर्स के क्वेश्चंस बना के आपको दे दिए जाते हैं, और आप अपने नोट्स के रूप में भी इनसे पढ़ सकते हैं। और गाइस, मैं काफ़ी धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आई होप आप वीडियो को पॉज करके इन सभी के आंसर्स लिख रहे होंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम। ये आ गया हमारा पार्ट थर्ड, ये हमारा पार्ट थर्ड है जिसमें हमें 100 वर्ड में आंसर देने हैं। पार्ट थर्ड में हमें सिर्फ 100 वर्ड में आंसर देने हैं, और इसका क्वेश्चन 7 आ चुका है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं धीरे धीरे अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ आप 100 वर्ड लिखें, 100 वर्ड से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, पर 100 वर्ड से कम ना लिखें। और अब आ चुका है हमारा क्वेश्चन 8। ये है हमारा क्वेश्चन 8, इसे भी आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। यह है हमारा क्वेश्चन 9, ये है हमारा क्वेश्चन 10, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन 11। और इसके बाद गाइस, हमारी ये PDF यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आने वाली वीडियो आपको कौन सी चाहिए ये बताइए कमेंट बॉक्स में, और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड शेयर कीजिए। तो थैंक यू गाइस टू वॉच आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।